नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। यूएन से लेकर यूएनएचआरसी तक, भारत से लेकर अमेरिका तक, हर तरफ पाकिस्तान की छीछा लेदर करवा रहे पीएम इमरान खान को अब पाकिस्तान के लोग भी लताड़ने लगे हैं। अपने देश की जर्जर अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की बजाय इमरान जिस तरह से कश्मीर मसला उठाकर भारत के आंतरिक मामले में दखल दे रहा है, उससे अब पाकिस्तानी आवाम भी लगता है ऊब गई है। तभी तो लंदन में रह रहे पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ अजकिया ने पीएम इमरान को जबरदस्त नसीहत दी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद पालता है, आतंकवादी तैयार करता है, ये बात तो अब पाकिस्तानी पीएम इमरान खान भी स्वीकार चुके हैं। शायद यही वजह है जब हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान को दुत्कारा गया तो औकात में आए इमरान खान को कहना पड़ा कि हम भारत पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा हम वो सब करेंगे जो संभव होगा। What options have we got apart from this? I mean, we can't attack India if, you know, clearly that's not an option. Apart from that, we are doing everything. Options have we got apart from this? I mean, we can't attack India if, you know, clearly that's not an option. Apart from that, we are doing everything possible. जिस पाकिस्तान के रेल मंत्री अपनी जेब में पाव पाव भर के परमाणु बम रखने की बात कहते थे और भारत पर परमाणु हमले की धमकी देते थे, उसी पाकिस्तान के पीएम इमरान जब भीगी बिल्ली की तरह कह रहे थे कि भारत के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते, तो मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ अजकिया ने अपने ही पीएम को लताड़ते हुए उन तमाम आतंकवादियों की लिस्ट सामने रख दी जिसे इमरान सरकार पालती पोसती है और फिर भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ने के लिए भेजती है। आरिफ अजकिया ने इमरान खान पर तंज मारते हुए कहा, हम केवल अपने आतंकवादी भेज सकते हैं, हम केवल छद्म युद्ध छेड़ सकते हैं, हमारे जनरल्स डीएचए बढ़ाने और व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा करने में व्यस्त हैं, इसीलिए हाफिज सईद, जैद हमी, मसूद अजहर जैसे लोग आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और भेज रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि भारत शांति प्रिय देश है। पीएम मोदी विदेश दौरे पर जब भी जाते हैं आतंकवाद का मुद्दा जरूर उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर आतंकवाद का केंद्र बन चुका पाकिस्तान दिन रात आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने में लगा रहता है, लेकिन भारतीय सेना भी इन घुसपैठियों को जहन्नुम पहुंचाने में लगी हुई है। मोदी सरकार की जबरदस्त कूटनीतिक घेराबंदी की वजह से हर मोर्चे पर शिकस्त खाने वाले इमरान खान ने आखिरकार हार मान ली। यूएनजीए में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कबूल किया कि उनका देश कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिशों में नाकाम रहा और वो इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उन्हें निराश किया है। भारत के संविधान में जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिए जाने के भारत सरकार के फैसले को लेकर पाकिस्तान द्वारा आपत्ति जताए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से कई मंचों पर बार बार पाकिस्तान को नकारा गया, जबकि बहुत से देशों ने भारत का समर्थन किया है। दीनदयाल जी के बारे में जो कुछ भी लिखा जाता है, लिखते समय एकाएक मेरे ध्यान में यह बात आई, लोग कहते हैं दीनदयाल जी कर्मयोगी थे। मैं सोचने लगा कि क्या केवल कर्मयोगी थे? तो जितना मैं जानता हूं उस आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दीनदयाल जी केवल कर्म योगी नहीं थे, केवल ज्ञान योगी नहीं थे, केवल भक्ति योगी नहीं थे, बल्कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के बारे में कहना हो तो मैं कह सकता हूं वह भक्ति समन्वित ज्ञान युक्त एक निष्काम कर्म योगी थे जिन्होंने कि भारत की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया। तीनों योगों का समन्वय है उनके जीवन में सहज रूप से ही कोई अनुभव कर सकता है। आज उस पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की 103rd जन्म दिवस है उनका, 103 वर्ष हुए हैं आज वो मनाने के लिए भी हम लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। जहां तक विनम्रता, सादगी, सरलता और कर्मठता का प्रश्न है उससे तो सभी परिचित हैं जो भी दीनदयाल जी को जानते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय सचमुच आदर्शों के एक प्रतीक स्तंभ थे।
आदर्श पुरुष यदि किसी को देखना है तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को अपने स्मृति पटल पर अंकित करके आदर्श पुरुष कैसा होता है इसकी सहज रूप से वो कल्पना कर सकता है। और जिस समय उन्होंने भारत आजाद होने के बाद अपनी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावी भूमिका का निर्वाह करना प्रारंभ किया, उस समय भारत टूट चुका था। 1947 में भारत के दो टुकड़े हो गए थे, भारत बन गया था और पाकिस्तान बन गया था, भारत खंडित था। युगों से चली आ रही भारत की अखंडता आहत हो गई थी और आवश्यक था ऐसे खंडित भारत को भी कोई ना कोई एक नई दिशा देने वाला एक विचार चाहिए, एक चिंतन चाहिए। उस समय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने भारत की राजनीति के लिए एक नया विचार देने का काम किया था। भारतीय जनसंघ की उस समय स्थापना हुई थी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने थे। लोग यह मानते थे कि भारत की राजनीति में एक रिक्तता है, एक खालीपन है, उस रिक्तता और खालीपन को भरने के लिए शायद एक नई विचारधारा की राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ की स्थापना यह की गई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस देश की राजनीतिक रिक्तता को भरने के लिए उस समय भारतीय जनसंघ की स्थापना नहीं की गई थी मित्रों, बल्कि हकीकत यह है कि भारत का सर्वांगीण विकास करने के लिए एक विचारधारा की आवश्यकता थी, एक दार्शनिक अवधारणा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता थी। और वह हमारी दार्शनिक अवधारणा एकात्म मानव दर्शन की थी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की थी, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर एक देश की सर्वांगीण पुनर्रचना का लक्ष्य लेकर यह भारतीय जनसंघ की, यह पार्टी भारतीय जनसंघ की स्थापना उस समय हुई थी। आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी भी अंत्योदय की बात बतला रहे थे, समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति का भी यह उदय होना चाहिए, यह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के दिल की यह हसरत थी। असमानता नहीं होनी चाहिए, विषमता नहीं होनी चाहिए, यह सब सारी चीजें दूर होनी चाहिए। और किसी भी राजनीतिक पार्टी का यह दायित्व बनता है, उसका कर्तव्य बनता है, उसे इसका निर्वहन करना चाहिए, यह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की यह सोच थी। और उस समय जब पंडित जी ने राजनीतिक क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया तो आपको याद होगा कि जहां पर भारत खंडित हो गया था, दो भागों में भारत और पाकिस्तान बन गया था, वहीं पर रन ऑफ कच्छ को पाकिस्तान के देने को लेकर पहली बार इस आजाद भारत में किसी राजनीतिक पार्टी ने आंदोलन प्रारंभ किया था तो भारतीय जनसंघ ने ही वह प्रारंभ किया। और इसलिए 5 तारीख को सारी की सारी ताकत जम्मू कश्मीर की भारत के संसद में थी और हमारी उंगलियों में वो ताकत आई जिसने उसको दबाया और एक झटके में धाराशाही जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में बन गई। एक लद्दाख लंबे समय से लड़ रहा था, उसके साथ न्याय हुआ, और दूसरा जम्मू कश्मीर जिसको विधानमंडल की ताकत मिली। अब डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद जब इस ट्राइबल्स को सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उसके साथ साथ ये सारी कार्रवाई जो होती है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन आप रणनीति देखिए, अमित जी की रणनीति देखिए, अध्यक्ष जी की रणनीति देखिए, जो राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं था, जहां हमारे पास टोटल 84 वोट थे, वहां हम 125 वोट से जीत करके आए। इसको हमको समझना चाहिए। आधों ने बाहर जाकर समर्थन किया और बहुत से दलों ने बैठ करके समर्थन किया, मैं उन सभी पार्टियों का धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये रणनीति लंबे समय तक, और देखिए जिस समय ये हुआ पाकिस्तान बहुत चिल्लाया लेकिन दुनिया में अलग थलग हो गया, सब मोदी जी के साथ खड़े हो गए। इस बात को हमको समझना चाहिए। एक दिन के अंदर 10 देशों ने तुरंत समर्थन दिया, जो महाशक्तियां थी, जो बड़े देश थे, 10 देशों ने साथ दिया, और 2-4 दिनों के अंदर लगभग 100 डिप्लोमैट्स ने इसका साथ दिया और कहा ये ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का मामला ये भारत सरकार का और भारत के संविधान का मामला है, ये उनका आंतरिक मामला है और इस पर हमको समर्थन देते हैं।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में थी। पूरी कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन प्रस्ताव तो छोड़ो, चर्चा के लिए भी लोग तैयार नहीं। यह हमारे मोदी जी का जो दुनिया में डंका बज रहा है और समर्थन मिल रहा है, उसका रूप हमको देखने को मिला, यह हमको समझना।